Drew McIntyre versus Randy Orton. Who will win in Hell in a Cell? The Tribal Chief is here. Well, hey guys, welcome to the my channel and now ki let's start karte is video ko. To Drew McIntyre versus Randy Orton jo ki ek longest rivalry ban chuki hai and now ki humne kitne dino se 2-3 pay-per-view se dekha ki jo ye storyline chalti aa rahi hai, Summer Slam mein chali, Clash of Champions mein chali and now ki ab hume Hell in a Cell mein bhi dekhne ko wala hai inke beech match jo ki ek Hell in a Cell match hoga and now ki yahan pe interesting stuffs hai jo ki iske pehle Clash of Champions mein hume ambulance match dekhne ko mila tha Drew McIntyre and Randy Orton ke beech mein jis मतलब बहुत ही लोगों का इंटरफेरेंस देखने को मिला था शॉन माइकल आए थे बिग शो आए थे एंड मतलब बहुत ही सारे सुपरस्टार आ चुके थे मतलब ज्यादा नहीं बट इनके स्टोरीलाइन से रिलेटेड जितने सुपरस्टार थे वो आ चुके थे तो वेल यहां पे जो कि क्लियर जो दिखता है जो विन दिखती है वो ड्रू मैकइंटायर की क्लियर तो हो नहीं सकती आई थिंक सो वेल इसकी वजह से हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का जो कि हेल इन अ सेल में मैच में जो कि जिसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता तो उस मैच में हमें अच्छे खासी देखने को मिलेगी हालांकि जब तक WWE चाहे तब तक कोई इंटरफेयर कर नहीं पाएगा वेल मैंने तो बहुत ज्यादा अभी वेल नाउ की बोल दिया है तो आई थिंक सो मुझे अब बोलना बंद करना पड़ेगा वेल तो ड्रू मैकइंटायर एंड रैंडी ऑर्टन में से हम इस रीजंस को निकालने वाले कि क्यों रैंडी ऑर्टन को और क्यों ड्रू मैकइंटायर को जीतना चाहिए तो वेल रैंडी ऑर्टन से शुरुआत करते हैं वेल रैंडी ऑर्टन जो कि इनको क्यों इस मैच में जीतना चाहिए हेल इन अ सेल का जो मैच है इसमें क्यों जीतना चाहिए वेल देखो यार रैंडी ऑर्टन के साथ मतलब जब ड्रू मैकइंटायर के साथ उनकी राइवलरी चल रही है रैंडी ऑर्टन अभी तक मतलब एक भी बार जीत नहीं पाए हैं ठीक से एंड रैंडी ऑर्टन मतलब अभी जीते ही कहां हैं बस ये लास्ट रॉ में उन्होंने पिन किया है वेल इससे प्रूफ हो सकता है कि मतलब कि ड्रू मैकइंटायर को हरा सकते हैं रैंडी ऑर्टन एंड जिसका इन्होंने अपने प्रोमो में जिक्र भी किया था एंड रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकइंटायर जो कि एक ऐसी राइवलरी है जो कि बहुत ही बेस्ट राइवलरी है एंड रैंडी ऑर्टन मतलब अपना इतना अच्छा खासा हील पर्सोना लेके ड्रू मैकइंटायर को अभी तक हरा नहीं पाए हैं एंड उनके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि हेल इन अ सेल की है ये उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी कि वो इस WWE चैंपियनशिप को ग्रैब कर सके एंड मतलब कि जो अगला चैंपियनशिप है 13-time चैंपियनशिप वो बन सके 13-time की 14-time आई थिंक सो और यहाँ पे कोई उनको इंटरफेयर करने वाला भी नहीं रहेगा इस मैच में अगर WWE न चाहे तो वेल इस मैच में तो बहुत ही अच्छा ग्रेट मैच हो सकता है हेल इन अ सेल का एंड इन दोनों के बीच में मतलब ताबड़तोड़ फाइट देखने को मिल सकती है जो कि हमने लगातार रॉ में देख रखा है कि ये लोग मतलब कैसे ये मतलब भीड़ रहे हैं अपने एक दूसरे के खिलाफ तो देखना है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन दोनों को हेल इन अ सेल के अंदर मतलब क्या फाइट देते हैं क्या मजा आता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा हम लोग को भी एंड सारी ऑडियंस को तो मजा आएगा ही एंड रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकइंटायर जो कि एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि कुछ भी कर सकते हैं इनके पास मतलब इतने टैलेंट्स हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं और मे बी यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है वो अपना हील का स्टैटिक्स यूज़ करके इस मैच में ड्रू मैकइंटायर को हरा दें वेल मतलब कोई ना कोई तरीका तो ढूंढा ही होगा रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकइंटायर को हराने का जो कि इतने मतलब इतने पेपर व्यू से हारते आ रहे हैं तो ये पेपर व्यू हेल इन अ सेल जो कि इनके लिए एक लास्ट होगा जिसमें रैंडी ऑर्टन इस मतलब इस चैंपियनशिप को ले सके एंड ड्रू मैकइंटायर को हरा सके एंड अगर ऐसा होता है रैंडी ऑर्टन अगर ड्रू मैकइंटायर को हराते हैं तो ये राइवलरी और भी लंबी खींच सकती है एंड ड्रू मैकइंटायर भी फिर रीमैच मांगेंगे एंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आगे भी देखना और मे बी यहाँ से हमें एज का रिटर्न भी देखने को मिल जाए और पॉसिबिली है भाई पॉसिबिलिटी हो सकती है एंड तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन अगर जीत जाए तो एज का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है फिर एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का हमें WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है या फिर रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकइंटायर का जो कि WWE चैंपियनशिप का रीमैच भी हो सकता है अगर रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप को ग्रैब करते हैं तो वेल इनके लिए मतलब बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी लाइन एंड हील पर्सोना वाला जो कि रैंडी ऑर्टन जो कि मतलब बेस्ट रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिल सकता है WWE चैंपियनशिप के साथ में वेल ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर रैंडी ऑर्टन भी जीतते हैं इस WWE चैंपियनशिप को और हेल इन अ सेल में तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इनमें से कौन जो कि WWE चैंपियनशिप को जीतता है कौन अपने साथ चैंपियनशिप ले जाता है कौन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता है सो नेक्स्ट वन की ड्रू मैकइंटायर के बारे में हम बात करने वाले कि वेल ड्रू मैकइंटायर को क्यों इंपॉर्टेंट है इस मैच को जीतना वेल देखो यार ये पहला इसके पहले इन्होंने एम्बुलेंस मैच लड़ा था जो कि एक स्टिपुलेशन मैच था वेल जो कि अब जो मैच है वो है क्या है हेल इन अ सेल मैच वेल ये कि पहला मौका होगा ड्रू मैकइंटायर के पास कि वो जो कि उनके पास चैंपियनशिप है वो WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर ले एंड वो कि एक बहुत ही अच्छे खासे स्टिपुलेशन मैच जो कि हेल इन अ सेल जिसे फैंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस किया गया है और बहुत ही बेस्ट मतलब मोमेंट्स आए हैं हेल इन अ सेल से तो इस हेल इन अ सेल में बेस्ट मोमेंट दे के ये अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे तो ये लंबे समय तक याद रखा जा सकता जो कि इनके आने वाले चैंपियनशिप रेन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एंड ड्रू मैकइंटायर के लिए बहुत ही अच्छी थिंग होगी अगर इसमें चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं कि एंड जो कि ड्रू मैकइंटायर
मैकइंटायर का इतना अभी तक लंबा रेंज चल रहा है इस चैंपियनशिप का, मे बी यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए। एंड ड्रू मैकइंटायर को और भी नए नए सुपरस्टार से लड़ना है, तो ड्रू मैकइंटायर को रैंडी ऑर्टन को हराना ही पड़ेगा। एंड ड्रू मैकइंटायर को इस चैंपियनशिप को रिटेन करके अपने पास ही रखना पड़ेगा। एंड अगर इसे रसलमेनिया तक WWE चाहती है कि ड्रू मैकइंटायर के पास ये चैंपियनशिप रसलमेनिया अगली रसलमेनिया तक रहे, वेल तो बहुत ही हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर यहाँ पे जीत जाए एंड रैंडी ऑर्टन हार जाए। एंड मे बी यहाँ पे बहुत ही ग्रेट स्टफ होगा अगर इन दोनों में से कोई अगर अच्छा मूवमेंट दे के जाए हेल इन ए सेल में, नहीं तो फिर वही नॉर्मल मैचेस जैसा होगा, तो मे बी बहुत ही ज़्यादा दिन तो याद नहीं रखा जाएगा, वैसे ही भूला जाएगा। तो अगर इसमें कोई अच्छा मूवमेंट दे के अगर इस मैच को जीतते हैं कोई भी सुपरस्टार तो बहुत ही ग्रेट होगा। वेल वो रैंडी ऑर्टन ही क्यों ना हो, वेल वो ड्रू मैकइंटायर ही क्यों ना हो। तो वेल अगर मेरी प्रेडिक्शन देखना चाहोगे तो मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ इन दोनों में से, जो कि मेरी प्रेडिक्शन रहेगी ना हील ना फेस, मेरी प्रेडिक्शन होने वाली है रैंडी ऑर्टन की तरफ से। ऐसा नहीं कि मैं ड्रू मैकइंटायर को नहीं जीतने में देखता रहना चाहता, वेल यार रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकइंटायर वेल दोनों ऐसे सुपरस्टार हैं, वेल मैं भी ये चाहता हूँ कि ड्रू मैकइंटायर को हराए रैंडी ऑर्टन एंड रैंडी ऑर्टन इस बार तो कम से कम जीत जाए। एंड जीतने के बाद तो मे बी हमें और भी अच्छी राइवलरी देखने को मिल सकती है, जैसे कि ट्रिपल थ्रेट हो गया एज रैंडी ऑर्टन एंड फिर ड्रू मैकइंटायर, जो कि बहुत ही बेस्ट राइवलरी बन सकती है। एज का रिटर्न हमें देखने को मिल जाए एंड मतलब बहुत ही अच्छी खासी स्टेप्स हो सकते हैं। तो वेल फैंस आपकी क्या ओपिनियन है यार, बताओगे कमेंट सेक्शन में? हाँ तू जो वीडियो देख रहा है ना, बताएगा कि नहीं कमेंट सेक्शन में कि क्या ओपिनियन है तेरे, हाँ कौन जीतना चाहिए और कैसा मैच जाना चाहिए यार, तुम लोग भी ना। तो वेल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर ही देना यार, एंड जो तुम्हारी मर्जी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। I finally